Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And in today's video, I'm going to review this product, this kajal that is Lakme Iconic Kajal, and in the shade Royal Blue. And आज मैं इसको review करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये worth buying है या नहीं है. उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस आएगी, अपकमिंग वीडियोस आएगी, उन सब की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स गो एंड बात करते हैं काजल की कि वो कैसा है. सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दिखने में ऐसा है नॉर्मल काजल जैसे कि नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होते हैं. एंड इसको नॉर्मल आप ओपन करके आप उसको ट्विस्ट करके इससे आप यूज़ कर सकते हैं. एंड इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज 0.35 ग्राम. एंड इसके प्राइस की बात करते हैं तो उसका प्राइस 275 है. एंड मुझे लगता है कि ये प्राइस सही है एज़ कम्पेयर टू जो और भी ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, वो उनकी जो उनका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा हाई होता है. एंड ये अच्छे ब्रांड से है, लैक्मे के ब्रांड से है एंड इसका प्राइस भी सही है. एंड इस काजल में 5 डिफरेंट शेड्स और अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहे तो वो सब ट्राई कर सकते हैं. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें वहाँ से बाय कर सकते हैं. एंड गाइज, आप इस काजल को वाटर लाइन एंड आईलेट्स दोनों पर लगा सकते हैं. एंड ये मुझे इस काजल का ज़्यादा अच्छा लगा है कि आप अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे लगाना पसंद है आईलेट्स या वाटर लाइन जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इस काजल को. एंड जो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि इसमें लिखा हुआ था कि 22 आवर्स तक स्मच प्रूफ है, बट मैं इसको नहीं मानती हूँ. एंड ये मुझे लगता है 7 to 8 आवर्स आपको अच्छा स्टे दे देता है. उसके बाद तो कोई भी काजल अगर आप ट्राई करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो मुझे लगता है ख़राब हो जाता है. मतलब मैंने इतना अच्छा काजल नहीं देखा है जो बहुत ज़्यादा 22 या 24 आवर्स तक स्टे करता है. एंड एक अच्छी चीज़ मुझे इसके बारे में लगी कि ये वाटर प्रूफ है, दैट इज़ वेरी नाइस. एंड वाटर और स्वेट अगर आपको आता है, आप वाटर नॉर्मली अप्लाई कर लेते हो तो वो आप नहीं हटेगा जब तक आप उसे रब नहीं करोगे, तो ये काजल नहीं हटेगा. सो दिस थिंग आई लाइक अबाउट इट. एंड इसमें एज अ टोल्ड यू उसमें 5 और डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है, पर ब्लू मुझे एक्चुअली अच्छा लगा और मेरा मन भी था इसे मंगवाने का, तो मैंने इसको ऑर्डर करा है. एंड आई पर्सनली लाइक दिस प्रोडक्ट. एंड अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो, इसे बाय करना चाहते हो, तो आप इसे बाय कर सकते हो. मैंने एज मैंने बोला था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. और मुझे लगता है कि ये काजल इन बजट बहुत अच्छा काजल है एंड इसकी क्वान्टिटी भी सही है एंड इसकी पैकेजिंग भी अच्छी है. इसको नॉर्मल आप ट्विस्ट करके यूज़ कर सकते हैं. एंड जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा वाटर एंड स्वेट से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, सो दिस इज़ वेरी नाइस. एंड अगर आप मेरे से पूछे तो मैं इस प्रोडक्ट को ओवरऑल आउट ऑफ 5 मैं इसको अराउंड 4.5 ही रेट करूँगी, बिकॉज ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा है. बस ये बहुत ज़्यादा स्टे नहीं है, बट ये मुझे ब्लू कलर आई जस्ट लव इट, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको बाय करा है गाइस. आप लोग भी चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं एंड इसे ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. ऑलराइट गाइज, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हैं, आपको जानना चाहते हैं इसके बारे में और, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल. और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में बहुत से प्रोडक्ट्स के रिव्यू करते रहती हूँ. और गाइज़, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ, मैंने एक मेकअप हॉल की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया था. उन सब प्रोडक्ट को अब मैं इंडिविजुअली रिव्यू करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए. एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं जितने भी नेक्स्ट प्रोडक्ट्स रिव्यू करूँगी आप लोगों को उनके बारे में पता चलता रहेगा, उनकी आपको अपडेट्स आती रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग.